सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, टी जी टी, पी जी टी, एल टी, यू जी सी, नेट, जे आर एफ के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। ये नोट्स आपको निश्चित ही सफलता दिलाएगा। आप इसे प्राप्त करिए और अपनी तैयारियों को संपूर्ण बनाइए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपके सम्मुख बहुत सारे निगेटिव कंटेंट परोसे जा रहे हैं, जिसको देख देख करके आप लोग एकदम से निराश हो चुके हैं। लेकिन निराशा के इस दौर में पढ़ करके भी आप क्या कर लेंगे? अगर आपको निराश होकर के, हताश होकर के अपनी तैयारियों को छोड़ देना है, तो इन सारी चीजों से नुकसान भी आपका ही होना है। इनसे बचिए और अपनी तैयारियों में लगे रहिए, क्योंकि संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना, ये दोनों चीजें आपसी तालमेल से ही संभव है। जब आप ये दोनों चीजें एक साथ लेकर के चलेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं भी आपकी तरह कभी एक छात्र रहा हूं, आज मैं सर्विस में हूं। इस बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं कि आप किसी भी सर्विस को केवल और केवल 15 या 20 दिन की तैयारी में या 1 महीने की तैयारी में हासिल नहीं कर सकते। आपको तैयारी करनी है, आपको पढ़ना है, आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए बेहतर तैयारी की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो अपने मन को, अपने दिलो दिमाग को सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करिए। टारगेट पर फोकस करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको सम्मुख रखे जा रहे हैं कि मतलब बहुत कम अध्याचन प्राप्त हुए हैं एल टी ग्रेड में। एलटी ग्रेड में कम अध्याचन नहीं है। पिछले बार के 8,000 से अधिक अध्याचन इस बार आए हैं, पिछले बार के भी लगभग आपके 4 साढ़े 4,000 पद खाली रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 12,500 से अधिक पदों पर आपको एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कल भी लोक सेवा आयोग में बातचीत हुई थी एलटी ग्रेड की ज्वाइनिंग के आज के सिलसिले में, और सारी चीजों को लेकर के जो है मतलब बातचीत की गई थी, तो वहां से सारी चीजें स्पष्ट है कि उन्होंने बताया कि जो समकक्ष वाला मुद्दा है, उसका मैटर जो है बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो संशोधन आदि का मामला है, वो भी बहुत जल्दी ही सॉर्ट आउट होने वाला है। ये सारी चीजें जब संशोधित हो जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो हम आपको एलटी ग्रेड का और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर देंगे, ठीक है ना। जब उनसे पदों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा पदों की संख्या 8,000 के ऊपर ही रहेगी, क्योंकि पुराने पद भी इसमें ऐड होने हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है, वो अध्याचनों की संख्या जो है, उन्होंने बताया कि 8,690 ये पदों का अध्याचन हमें प्राप्त हुआ है, और शेष पद जो है 4,500 से अधिक पद जो है आपकी पिछली भर्ती की गई खाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब एकदम से स्पष्ट हैं कि आपको एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए एलटी ग्रेड का मिलेगा। उसके बाद आते हैं चयन बोर्ड की तरफ। चयन बोर्ड में भी सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी ने ये कभी नहीं कहा कि हम विज्ञापन नहीं देंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विज्ञापन हम यथाशीघ्र जारी करेंगे, क्योंकि समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को समाज विज्ञान के दायरे में लाना है, और सॉरी, और सबसे अहम बात यह है कि हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट, क्योंकि जो विवाद आपका एलटी ग्रेड में, वही विवाद सेम आपका टीजीटी में भी है, ठीक है ना। इन सारे विवादों का पटाक्षेप होना है, और पुरानी भर्तियों का जो मतलब सिलसिला है उनको भी समाप्त करना है, वेटिंग लिस्ट आदि कंफर्म करनी है, जिनका मैटर पूरी तरीके से बहुत जल्दी ही सेट आउट होने वाला है। समायोजन का भी एक मुद्दा है। 2021 के और 2016 के बहुत ऐसे चयनित विद्यार्थी हैं जो कि चयनित होकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको विद्यालय में सीट नहीं मिल पा रही है ना, उनके भी समायोजन का मुद्दा जो है वो चरम पे है। बहुत जल्दी उनका मैटर भी सेट आउट होने वाला है 20 जनवरी तक, ठीक है। उसके पहले आपका विज्ञापन आना है। इनके लिए पदों को लगभग 1,000 पद जो है इनके लिए बचा कर रखा जाएगा, ताकि मतलब इनका जो है समायोजन किया जा सके। लेकिन मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने की बात चयन बोर्ड के सम्मुख आई थी, तो सारी बातें स्पष्ट हो गई थी कि आपका नया विज्ञापन आएगा। नया विज्ञापन में तदर्थों की सीटों को जुड़वाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, प्रयास लगातार जारी है। लेकिन आपको गलत और निगेटिव कंटेंट से बचने की आवश्यकता है। सुपर टेट भी आपका आएगा, आपका जो मतलब टीजीटी पीजीटी भी आएगा, और एलटी भी आएगा, जीआईसी प्रवक्ता भी आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं,
अगर आप किन्हीं भी चीजों को लेकर के आशंकित हैं तो आपकी आशंका का जो समाधान है वो समाधान हो जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम भी कभी एक छात्र रहे हैं और जिस निराशा के दौर से